प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है, जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है मैं उसी को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो वर्ल्ड बैंक ने जो स्टडी की है कैसे की, उसको ऑल ओवर वर्ल्ड के इन्वेस्टीज़ को उसको एग्जामिन करना था, हम करें तो क्या करें। तो मैं एक आपको छोटा सा प्रोसीजर बताने की कोशिश करूँगा इन्होंने कैसे किया। इसके लिए ग्लोब पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं और बहुत सारे रीजन में डिवाइडेड हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि वहाँ से हर एक कंट्री को डिवाइड किया गया है। अगर आप कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं, इंटरनेशनल रिसर्च, तो आपके पास पॉसिबल नहीं होगा कि आप उसको प्राइमरी सोर्स डेटा पे कर पाएँ। तो उसके लिए आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, सेकेंडरी डेटा सोर्स। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, कई देश की एजुकेशन पॉलिसी को लिया और वहाँ पे इन्होंने देखा कि यूनिवर्सिटी का गवर्नेंस कैसे चलता है। तो इसमें कंटेंट क्या रहे, इंट्रोडक्शन, नेशनल फ्रेमवर्क, गवर्नेंस ऑफ हायर एजुकेशन, फंडिंग, गवर्नेंस ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। इंट्रोडक्शन में बेसिकली उस यूनिवर्सिटी गवर्नेंस का प्रोसेस क्या होगा, उसकी एक्टिविटी क्या होंगी और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। बेसिक ऑब्जेक्टिव जो इन्होंने क्लियर किए हुए हैं वहाँ से, तो टू इंक्रीज द इंस्पायर एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी टू द हाईएस्ट पोटेंशियल लेवल टू द लाइफ, एंड सेकंड टू इंक्रीज द नॉलेज अंडरस्टैंडिंग फॉर द ओन सेक एंड टू डियर एप्लीकेशन टू बेनिफिट इकोनॉमी एंड सोशल, टू सर्व द नीड एंड एग्रीटेबल सस्टेनेबल नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एंड लोकल रीजन नेशनल लेवल, टू प्ले मेजर रोल शेपिंग डेमोक्रेटिक सिविलाइज इंक्लूसिव सोसाइटी। ये सारे ऑब्जेक्टिव वही हैं, अगर आप किसी भी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो लगभग यही सारे ऑब्जेक्टिव फॉलो करते हैं। और ये लिया कहाँ से गया है, यूके की यूनिवर्सिटी का रेफरेंस में लिया गया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, विजन और स्टडी बनाया कि हमारा हायर एजुकेशन किसके लिए होना चाहिए, उसके प्रिंसिपल गोल क्या होने चाहिए, उसको हम कैसे सेट करें और उसको उसमें पार्टिसिपेशन किसका होना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंस बिना फंडिंग के नहीं चलेगा, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होनी चाहिए, उसको उसमें क्या करिकुलम होगा, क्या सिलेबस होगा, वही सारी चीज़ डिसाइड होती हैं। अगर आप सेकेंडरी बेस्ड डेटा पे एनालिसिस कर रहे हैं तो इसके लिए आप किसी भी कंट्री में जाके उस पर रिसर्च नहीं कर सकते। आपको करना क्या होगा, उस देश में जो भी पॉलिसी चल रही है उसको एडॉप्ट करेंगे, उसके बेस पे अपना जस्टिफिकेशन देंगे। तो यहाँ पे इन कंट्री को लिया गया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, न्यूजीलैंड, तंजानिया और साउथ अफ्रीका, यूके और सम अदर स्टेट। इसमें बहुत सारी कंट्री हैं जिनको इसमें मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद रीजन ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग, यहाँ पे हर एक कंट्री ने अपने देश की जो पॉलिसी है उनको बनाने के लिए कुछ अलग से प्लानिंग अडॉप्ट की हुई है। उसके बाद पाकिस्तान ने जो कोट किया है उसमें है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास सीट ऑफ लर्निंग, हायर क्वालिटी एजुकेशन, स्कॉलरशिप, रिसर्च, स्ट्रॉन्ग मोरल इथिकल वैल्यू, मोर और लेस सबके कॉन्सेप्ट यही हैं। हर एक कंट्री में आप जाएंगे रिसर्च पे फोकस किया गया है, मोरल वैल्यूज हैं, इथिकल है और सारी वैल्यू पे उन्होंने यही सारी चीज़ें बताई हैं और रेफरेंस से नीचे लिखा हुआ है कहाँ से लिया गया है इसको। उसके बाद न्यूजीलैंड का है, साउथ अफ्रीका के रेफरेंस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन 1997 से इन्होंने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है। उसके बाद आयरिश का यूनिवर्सिटी एक्ट है जिसमें प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इक्विटी अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस टू इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिसोर्स। उसके बाद कुछ मॉडल बताए गए हैं, बस दो मिनट, ठीक है, दो मिनट कुछ मॉडल बताए गए जिसमें किस देश में कौन सा मॉडल एजुकेशन का फॉलो कर किया जाता है। जैसे यहाँ पे स्टेट कंट्रोल है वो मलेशिया में है, सेमी ऑटोनोमस है न्यूजीलैंड एंड फ्रांस में, सेमी इंडिपेंडेंट सिंगापुर, इंडिपेंडेंट ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, मैनेज करने के लिए इसमें कुछ पॉइंट बताया गया है, हर कंट्री वाइज में उसको कैसे मैनेज किया गया है वो अलग तरीके से बताया गया है। और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी को एनालिसिस करने के लिए कुछ यहाँ पे इन्होंने टर्मिनोलॉजी बताई है जो इस प्रकार है, आप इसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसमें से।
और उसके बाद गवर्नेंस ऑफ हायर एजुकेशन सेक्टर, उसके बाद बात आई है आती है ये मैनेज कैसे होगा, हु मैनेज सिस्टम ओवरऑल, हु प्रोवाइड, हु पावर द रिटेन एंड सेंट्रल इन सम डिवोटेड इंस्टीट्यूट द सेंट्रल एजेंसी नीडेड, हाउ मच इन ऑटोनॉमी शुड ऑटोनॉमी शुड बी इंस्टीट्यूट हैव, हाउ इंस्टीट्यूशन हैड अकाउंटेबल एंड रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड, उसके बाद व्हाट सेंट्रल एजेंसी नीडेड, ये कुछ सेंट्रल एजेंसी हैं जो अलग अलग कंट्री में काम करती हैं, टीनेट साउथ अफ्रीका और ए बोर्ड कंट्रोल एंड मैनेज स्टूडेंट लोन, लेवल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी एंड कलेक्शन ऑफ रिपेमेंट केनिया, और इस तरह कई एजेंसी हैं जो वर्ल्ड वाइड काम करती हैं। उसके बाद उसकी क्वालिटी को एश्योर करने के लिए ये कुछ बताया गया है पॉइंट, ऑथोराइजेशन एक्रीडेशन अकाउंटेबिलिटी क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम एंड री ऑथोराइजेशन एंड पीरियडिक रिव्यू, और फंडिंग कैसे होती है हर एक यूनिवर्सिटी की वो भी इसमें बताया गया है। उसके बाद रिसोर्स कैसे लोकेट किए गए हैं, एनुअल फार्मूलेट पर स्टूडेंट परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग है, कम्पिटिटिव बिल्डिंग है, और यहाँ पे फंडिंग मेथड डेवलप्ड हर कंट्री के लिए फंडिंग मेथड बताए गए हैं कौन से देश में कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है, और उसके बाद गवर्नेंस पब्लिक इंस्टीट्यूशन का गवर्नेंस कैसा है ये मेन है। उन्होंने क्या किया, हर देश से डेटा ले लिया गया, बाद में उन्होंने कंपाइल इस तरह किया हुआ है, उन्होंने अपना एक शेड्यूल बना लिया और यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन लिखा जो उनको एसेस करना था, वो किस कंट्री में मिलता है व नहीं मिलता है, जो यहाँ पे एस्ट्रिक लगा है इसका मतलब उस कंट्री में उस कंटेंट को उन्होंने पाया। इस तरह उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए और उसकी एनालिसिस की, और जो एस्ट्रिक है उस कंट्री में पाया गया, जहाँ पे एस्ट्रिक नहीं है वहाँ पे नहीं पाया गया। उसके बाद कुछ बफर बॉडीज थी जो यहाँ पे कनाडा, हांगकांग, इंडिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इंडिया और जिम्बाब्वे, ये सब बफर बॉडीज से गवर्न होते थे, और ये सारे हम कंक्लूजन हैं, ये रेफरेंस है आपके, थैंक यू।